डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं आज हम। क्या है देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज एस वन, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टेंथ एंड nth। तो क्या इसके अंदर हमें सम दे रखा है, किसका सम दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, इसका सॉल्यूशन है सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म यानी Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। हमें निकालना है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फिर दैट इज S1, यानी कि S1 निकाल लो पहले, क्या जाएगा S1 यानी 4 इंटू 1 माइनस 1 की पावर 2। सॉल्व करते हैं, 4 माइनस कितना हो गया 1, S1 क्या आ गया 3, यानी कि S1 आ गया, S1 यानी कि सम ऑफ द फर्स्ट वन टर्म का सम आ गया, और ये किसके बराबर है, A1 के बराबर है, A1 इज इक्वल टू S1 इज इक्वल टू 3, यानी कि आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई, देयरफॉर फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म आपके पास 3 आ गई। फिर व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, यानी कि n के जगह पुट कर दो, n के जगह 2 रख दो, तो क्या हो जाएगा S2, यानी कि 4 इंटू 2 माइनस 2 की पावर 2, कितना हो गया 4 2 जाए 8 माइनस 4, क्या बच गया S2, क्या आ गया 4। दिस द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म A1 एंड A2। अब हमें निकालना A2, यानी कि पहले दो टर्म के सम में से पहली टर्म क्या कर दो माइनस कर दो, S2 में से S1 क्या कर दो माइनस कर दो, S2 मींस सम ऑफ फर्स्ट, यानी कि S2 किसके बराबर है A1 प्लस A2 के, और S1 किसके बराबर है A1 के। जब आप A2 निकालेंगे तो S2 माइनस S1, A1 प्लस A2 में से A1 माइनस कर देंगे, माइनस माइनस कर दिया, क्या बच गया A2, तो A2 कैसे निकलेगा S2 माइनस S1 यानी कि 4 माइनस 3, क्या बच गया A2 इज इक्वल टू 1 बच गया। अब सिमिलरली आपको निकालना है व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द टेंथ एंड nth टर्म। अब आपको टेंथ टर्म भी और nth टर्म भी फाइंड आउट करनी है और थर्ड टर्म भी। अब थर्ड टर्म निकालेंगे कैसे, जैसे आपने अभी निकाला, आपने क्या A2 आपने निकाला S2 माइनस S1, तो हम ऐसे A3 निकाल सकते हैं, A3 क्या हो जाएगा S3 माइनस S2, ये फॉर्मूला A3 भी लग जाएगा, तो A3 क्या हो जाएगा आपका S3, S3 क्या होगा n की जगह 3 लग देंगे, यानी कि 4 इंटू में n की जगह 3 माइनस 3 की पावर 2, ये आपके पास क्या आ गया S3 माइनस S2, S2 कितना आपके पास 4 है, S2 की वैल्यू आपके पास 4 है, तो यहां पर क्या रख दें 4 रख दें, सिंप्लीफाई कर ले, 4 3 जा कितना हो गया 12 और 3 3 जा 9, 12 माइनस 9 और माइनस का 4, 12 में 9 गया कितना बच गया 3 बच गया, 3 माइनस 4 A3 की वैल्यू क्या आ गई माइनस 1। अब ये आपका क्या बच गया A3 आ गया, क्या आ गया A3 माइनस 1 आ गया। अब आपको कौन कौन सी टर्म निकालनी है, व्हाट इज द टेंथ टर्म, A10 और निकालो, कौन सा निकाल लो A10, A10 कैसे निकलेगा S10 माइनस S9, A10 इज इक्वल टू S10, यहां पर n की जगह कितना रख दो 4 रख दो, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 माइनस 10 की पावर 2 और माइनस 9 की पावर कितना आ जाएगा यहां पर 4 इंटू 4 इंटू में कितना करो n की जगह 9 माइनस 9 की पावर 2, अब सॉल्व कर लो इसको भी, कितना जाएगा यहां 41 गया माइनस ये हो गया 100 माइनस ये 36 और माइनस का 81। अब ये आपके पास किसका है 100, 100 में से 40 लेस करो क्या बच जाएगा माइनस 60 और माइनस 81 में से 36 लेस करो, 11 में 6 गया 5, 7 में 3 गया 4, ये बच गया माइनस का 45 बच गया, तो ये आ गया आपके पास माइनस 60 प्लस 40 5,
क्या बच गया माइनस 15 बच गया, ये आपके पास 8 है। इसी तरह से हमें कौन सी टर्म निकालनी है, एनएच टर्म। तो एनएच एन कैसे निकलेगा, सिमिलरली ए एन निकालना है तो कैसे निकलेगा, एस एन माइनस वन। तो एस एन यहां पर वैल्यू पुट करो, ए एन इज इक्वल टू एस एन, एस एन क्या आपके पास 4n, ये वाला एस एन है 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस, अब n की जगह यदि एस एन माइनस वन निकालेंगे तो 4 इंटू एन की जगह क्या रख दे, एन माइनस वन माइनस एन माइनस वन का स्क्वायर बन गया। और सिंप्लीफाई करो, ये डेंसिटी रहेगा 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस, अब देखो 4 के अंदर मल्टीप्लाई करो 4n माइनस 4 माइनस, अब ये क्या जाएगा आपके पास, ए माइनस बी होल का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यानी कि एन का स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का 2 है। और सिंप्लीफाई करो अब इसको, क्या बचेगा 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस, ये बन गया 4n माइनस 4, ये हो जाएगा माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 और प्लस का 2 है। अब आगे और सॉल्व करो इसको, ए एन इजल टू 4n माइनस एन स्क्वायर, अब ब्रैकेट से बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 4n प्लस का 4 प्लस का एन स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस का 2। अब लाइक टर्म देखिए, माइनस एन स्क्वायर है ये और ये भी प्लस का एन स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और देखिए अब क्या बचा आपके पास, ये 4n और ये माइनस का 4n, तो ये दोनों भी कैंसिल हो गए। अब क्या बच गया आपके पास, 4 और 1 5 और माइनस का 2n, ए एन की वैल्यू क्या आ गई 5 माइनस, क्योंकि यहां पर आपके पास कितना बचा 4 और प्लस का 1 4 प्लस 1 और माइनस का 2n, तो आपके पास ए एन की वैल्यू आ गई 5 माइनस क्या आ गया 2n, 5 माइनस 2n, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, एन की 5 माइनस 2, ये हमें फाइंड आउट करना था एनएच। तो हमने इसके हर पार्ट को सॉल्व किया, थर्ड पार्ट निकाला, टेंथ पार्ट निकाला, एनएच पार्ट निकाला। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में क्या देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, यानी कि हमें पहले कितने 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालना है जो कि किससे डिविजिबल हो, 6 से। तो लिस्ट ऑफ, पहले लिस्ट बना लो, लिस्ट ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 6, यानी कि 40 पॉजिटिव इंटीजर लो जो 6 से डिवाइड करे, पहला इंटीजर 6 हो गया, दूसरा 12, तीसरा 18, 24, so on, और लास्ट क्या आएगा, 40 है हमारे पास, 40 का क्या आएगा, 40 को 6 से मल्टीप्लाई करो 200 कितना हो जाएगा 40, ये लास्ट टर्म आ गया आपके पास 240। अब हम इनका क्या निकालना है, सम निकालना है, तो आपके पास आप ऑब्जर्व करोगे यहां a2 माइनस a1, क्या आपके पास 12 माइनस 6 6, इसी तरह से a3 माइनस a2 18 माइनस 12, ये सभी की सभी क्या कहलाते हैं, कॉमन डिफरेंस, क्या कहलाते हैं, कॉमन डिफरेंस, यानी कि दोनों डी के बराबर है। तो इसका मतलब a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस, कौन सा a2 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया 6 की, तो इसका मतलब द सीक्वेंस इज इन एपी, सीक्वेंस इज इन एपी। तो हमें कितने 40 कितने पॉजिटिव इंटीजर का निकालना, हमें 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालना है, तो Sn का फॉर्मूला अप्लाई करो, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू ए प्लस में l, लास्ट टर्म l का मतलब an, तो s 40 कितना आ जाएगा 40 बाई 2, a a की जगह 6, l l की जगह कितना है 240 प्लस में 240, यानी कि 6 प्लस में कितना 240। अब आपका ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 20 आ गया, यानी कि 20 इंटू कितना आ गया 246, 20 को 246 से मल्टीप्लाई करो, पहले तो जीरो रख दो,
12, 24 जा 8 और 19, 22 जा 4, यानी कि एस 40 की वैल्यू क्या आ गई 4920। अगर हम इसी क्वेश्चन को इस ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके निकाले, एस एन इजल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, अगर आप इसे भी सॉल्व करोगे तो आपका एस 40 कितना आएगा 4920। इसी से भी आपका सेम आंसर आएगा इस फॉर्मूले से भी। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ पी, क्वेश्चन नंबर है 13। कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन की तरह से करेंगे। कैसे, पहले लिस्ट बना दो, लिस्ट या सीक्वेंस, लिस्ट ऑफ द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ फर्स्ट 15, कितने फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, यानी 8 के मल्टीपल ले लो कितने 15, पहला मल्टीपल 8 का 8 आएगा, दूसरा 16, 24, 40, 32 और फिर 40, सो ऑन, और लास्ट में कितना आ जाएगा 15 8 जा 120, ये 120 लिस्ट बन गई। अब आप बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, अब इसका 8 2 - 1 इक्वल टू 8 3 - 8 2 सो ऑन, इन सब का डिफरेंस क्या आएगा 8 आएगा, इसका मतलब ये सब के सब क्या कहलाएंगे डी कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे डी, देयरफॉर द सीक्वेंस इज इन एपी, सीक्वेंस इज इन एपी। अब एसएन का फॉर्मूला, दो फॉर्मूला है, किसी भी फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हो। एसएन मैं ये वाला अप्लाई कर देता हूं, एसएन इक्वल टू एन बाय टू इंटू ए प्लस में एन, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये तो ए है 8 और ये लास्ट टर्म एल, एल कितना है 120, ये वैल्यू से पुट कर देते हैं, और एन कितने टर्म का सब निकालना है, एन 15 है तो एस 15 निकालना है, तो 15 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ए की जगह कितना रख देंगे 8 और एल की जगह कितना रख देंगे 120। सॉल्व कर लो इसको, 15 बाई 2 और इंटू में कितना हो गया 128, दो से कैंसिल कर दो, 128 को 64 आ गया, यानी 64 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 15 से, 5 4 20, 5 6 30, 32 आ गया, और यह 64 से मल्टीप्लाई करें 0 6 और ये 9, यानी इनका मल्टीपल आ गया 960 एस 50, यानी कि ये हमने निकाल दिया सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, क्या निकाला 960। अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या देखिए, फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 50, क्या करना है, सम निकालना है ओड नंबर का, किसके बीच में 0 50 के बीच में होने चाहिए, तो ओड नंबर देखो कौन कौन से हैं 0 50 के बीच में, लिस्ट ऑफ ओड नंबर, लिस्ट ऑफ ओड नंबर, ओड नंबर बिटवीन किसके बीच में 0 एंड 50 के बीच में कौन कौन सी है ओड नंबर की लिस्ट आप देखिए, पहला ऑर्डर नंबर कितना हो गया 1, दूसरा 3, फिर 5, फिर 7, सो ऑन और लास्ट में 49। अब 0 और 50 के बीच में 25 तो इवन नंबर है और 25 भी ऑड नंबर है, अगर आपको फाइंड आउट करना है कितने ऑड नंबर है ये भी आप निकाल सकते हो, तो अब यहां से देखेंगे a2 - a1 a3 - a2 सो ऑन, इन सब का डिफरेंस 3 - 1 5 - 3 7 - 5 2 आएगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 2, इसका मतलब द सीक्वेंस इज इन एपी, सीक्वेंस इज इन एपी। अब अपने पास ए तो कितना है 1 और डी कितना है 2 और लास्ट टर्म ए एन क्या आपका 49, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हो यहां से जनरल टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करके, ए एन का ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी 49 होंगे इसमें 25 टर्म्स, इसको सारे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो फॉर्मूला अप्लाई करके, ए के जगह क्या रख दो 1 प्लस एन माइनस 1 और डी के जगह क्या पुट कर दो 2 इजल टू 49, सॉल्व कर लो एन माइनस 1 इंटू में 2 इजल टू 49 माइनस 1 हो गया, तो एन माइनस 1 इंटू में 2 इजल टू क्या आ गया 48 आ गया। अब एन माइनस 1 इजल टू 48 में ये दो मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा, क्या बन गया 24, एन माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई 24, एन की वैल्यू क्या आ गई 24 प्लस 1, एन की वैल्यू क्या आ गई 25, मैंने बताया था नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगे 25, 25 जो टर्म है इवन होंगे 25 भी
ऑड होंगी। अब इनका सब निकालना है तो क्या आएगा, एस एन का फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं, एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, ये लगा देते हैं इसमें भी, तो एस 25 क्या जाएगा, 25 बाई 2 हो गया, ए की जगह 1 रख दिया और लास्ट टर्म की जगह 49 रख दिया। सॉल्व कर लो, 25 बाई 2 और इंटू में 50, अब ये दो से कैंसिल कर दो, यहां से 50 को 25 आ गया, ये कितना है 25 इंटू 25, यानी कि इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 625। एस 25 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 625, दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट कितनी 25 टर्म्स। अब हम फाइंड आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। ए कॉन्ट्रैक्ट एंड कंस्ट्रक्शन कोड स्पेसिफाई द पेनल्टी फॉर द डिले ऑफ द कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉर रुपीज 200 फॉर द फर्स्ट डे, रुपीज 250 फॉर द सेकेंड डे, रुपीज 300 फॉर द थर्ड डे, द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेडिंग डे बीइंग रुपीज 50 मोर देन इसे फॉर द प्रीसीडिंग डे, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिले द वर्क बाई 30 डेज। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई कॉन्ट्रैक्टर है तो कोई कंस्ट्रक्शन उसको करना है और करने के लिए उसने 30 दिन का समय लिया है, अगर वो टाइमली 30 दिन में उसको करना है, अगर इससे ज्यादा अगर वो टाइम मिलता है तो पहले दिन की पेनल्टी 200 रुपए देनी पड़ेगी, डिले ऑफ द वर्क काम की देरी के लिए। इसी तरह से दूसरे दिन 250, यानी 50 रुपए और ज्यादा देने पड़ेंगे, और तीसरे दिन 300, इससे आगे फिर 50 रुपीज मोर है, इस तरह से उसको ये पेनल्टी 50 रुपए पिछले दिन से ज्यादा पे करनी पड़ती है, तो इस तरह से उसको 30 डेज में कितनी पेनल्टी पे करनी होगी। तो कैसे निकालेंगे इसको, सबसे पहले हम एक सीक्वेंस बनाते हैं इसका, द पेनल्टी फॉर द डिले ऑफ वर्क, द पेनल्टी फॉर द डिले ऑफ वर्क, फॉर द डिले ऑफ वर्क, तो कितने पेनल्टी लगेगी, द पेनल्टी फॉर द डिले ऑफ वर्क इन रुपीज, इन रुपीज, सबसे पहले फॉर द फर्स्ट डे कितने इन रुपीज, पहले दिन कितने 200 रुपए, अगले दिन 250 रुपए, तीसरे दिन 300 रुपए, तो इस तरह से आपको ये चेक करना है कि ये सीक्वेंस एपी के अंदर है, द सीक्वेंस इज इन एपी, द सीक्वेंस इज इन एपी, क्यों ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 200 आ गई और डी की वैल्यू क्या आ गई 50 रुपीज, हर दिन पिछले दिन से 50 रुपए ज्यादा है तो ये आपका डी हो जाएगा, ए 200 हो गया, डी 50 हो गया। एम कितने दिन के लिए डिले है, 30 दिन के लिए, अगर 30 दिन देरी से काम होता है तो कितनी पेनल्टी होगी, तो एस एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, एस एन एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एस 30 यहाँ पर 30 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इंटू में 2a, a की जगह 200 रख देते हैं, प्लस n की जगह कितना होगा 30 माइनस 1 और d की जगह कितना पुट कर दें, d की जगह पुट कर देते हैं हमारे पास 50, सॉल्व कर लो, दो से कैंसिल हो जाएगा 15 हो गए, तो 15 और ये कितना हो गया 400 प्लस 30 में से 1 गया 29 इंटू में कितना आएगा 50, और आगे सॉल्व करो 15 इंटू ये 400 प्लस 29 को 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, 59 जा 45, 52 जा 10 और 440, यानी कि 1450 आ गया, 400 इसमें से प्लस कर दो, 400 प्लस 1450, तो 400 प्लस करेंगे तो 1850, यानी कि 1850 आ गया, 50 आ गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 185 को 15 से मल्टीप्लाई करके देखो 25 12 42 5 4 9 5 8 1 5 या 7 9 और 8 17 और 1 ये कितना हो गया 2, अब एक और जीरो लगाते हैं यहाँ तो 2775 0, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, एस 30 की वैल्यू, देयरफॉर द पेनल्टी फॉर द डिले ऑफ वर्क, डिले ऑफ
वन, यानी कि देरी से काम करने की कितनी पेनल्टी लगी, रुपीज 27,750। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।